हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं सौरभ गांधी पिवो ट्रेडिंग डॉट नेट से स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेस्ड है। आपको और हम सबको ये पता है कि जो अच्छा पैसा बनता है, जो बड़ा पैसा बनता है, वो इन्वेस्टमेंट के बेसिस से बनता है। आप ट्रेडिंग करके चाहे कितना ही पैसा कमा लें, आप अगर 5,000 से शुरू करते हैं ट्रेडिंग के अंदर, तो 5 से आप 10 कर लेंगे, 10 से 50 कर लेंगे, 50 से 1 लाख रुपये बना लेंगे, 1 लाख से आप 10 लाख बना लेंगे, 10 लाख से आप 1 करोड़ भी बना लेंगे। हो सकता है आप 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए भी बना ले ट्रेडिंग के अंदर। लेकिन जब वो 10 करोड़ बन जाएगा, तो 10 करोड़ के साथ में आप रोज़ इंट्राडे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर आपको उस 10 करोड़ को उसके बाद में अगर 100 करोड़, 1,000 करोड़ तक पहुँचाना है, या आपके पास में 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख से आपको 10 लाख करने हैं या 1 लाख से 5 लाख करने हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उसको इन्वेस्टमेंट करना होगा और उस इन्वेस्टमेंट को समय देना होगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखेंगे जो कि म्यूचुअल फंड्स हैं। अब खैर, म्यूचुअल फंड ये एक तरीका नहीं होता इन्वेस्टमेंट का, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। आप कर सकते हैं डायरेक्टली शेयर्स बाय कर सकते हैं, आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप कोई प्रॉपर्टी खरीद के उसको रेंट आउट करके उसको एज एन इन्वेस्टमेंट प्लस आपका एक रेगुलर इनकम सोर्स बना सकते हैं, आप चाहे तो फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो का जो फोकस है वो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट अगर आप म्यूचुअल फंड के लिए देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से 5 पैसा आपको म्यूचुअल फंड खरीदने में मदद कर सकता है। साथ ही साथ 5 पैसा की जो ऐप ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, जो मोबाइल एप्लीकेशन है, वो इतनी ब्यूटीफुली डिज़ाइन करी हुई है म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए कि आपको अलग अलग तरीके के ऑप्शंस नज़र आते हैं म्यूचुअल फंड्स में। साथ ही उनको उसमें आपको उनकी मंथली, क्वार्टरली और ईयरली रिटर्न्स, एनुअल परफॉर्मेंस नज़र आती है। साथ ही आपको ये भी इसमें समझ में आता है कि कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर कितना एलोकेशन है, कौन से सेक्टर में एलोकेशन है, कितना डाइवर्सिफाइड रिस्क है। अगर कोई फंड है तो उस फंड ने कितना परसेंटेज इक्विटीज़ में डाला हुआ है, कितना परसेंटेज फिक्स डिपॉजिट में डाला हुआ है, कितना परसेंटेज बॉन्ड्स में डाला हुआ है, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशंस आपको मिलते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन भी मिलेगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला है, कौन सा म्यूचुअल फंड लो रिस्क लो रिटर्न वाला है, कौन सा म्यूचुअल फंड सेफ जोन में आता है जिसमें रिस्क बहुत कम है लेकिन रिटर्न भी कम है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर के अंदर बताऊंगा। तो चलिए आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं 5 पैसा की मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशन। आपको अगर इस एप्लीकेशन का यूज़ करना है, तो सबसे पहले आपके पास में 5 पैसा का ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। अगर आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक के थ्रू फ्री में अकाउंट ओपनिंग करवा सकते हैं और इस ट्रेडिंग एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम 5 पैसा की ट्रेडिंग एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे, तो आपको इस तरीके से डैशबोर्ड नज़र आएगा, इस तरीके की होम स्क्रीन नज़र आएगी। यहाँ पे आप देखिए सेकंड वाला जो रो है जहाँ पे प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, वहाँ पे प्रोडक्ट्स के अंदर आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा म्यूचुअल फंड्स का। तो आपको म्यूचुअल फंड पे क्लिक करना है। जब आप म्यूचुअल फंड में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड्स रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के जो तरीके हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आएगी। सेकेंड में आपको नज़र आएगा कि आपको 5 पैसा की कुछ कैटेगरी बनाई हुई है उन्होंने अलग अलग म्यूचुअल फंड्स को, काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। उसमें से कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है, वो आइडेंटिफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो 5 पैसा ने यहाँ पर एक अलग कैटेगरी बना दी है और उस कैटेगरी के अंदर अलग अलग म्यूचुअल फंड डाल दिए हैं जो उस कैटेगरी को सूट करते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, जो पहला ऑप्शन है वो है हाई रिस्क हाई रिटर्न का म्यूचुअल फंड। जैसा यह नाम बता रहा है कि इसके अंदर आपका जो म्यूचुअल फंड है, उसके अंदर आपकी रिस्क भी बहुत ज़्यादा होगी और आपका रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होने की उम्मीद है। सेकेंड ऑप्शन है इक्विटी फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म, मतलब जो इक्विटी मार्केट में डायरेक्टली बाइंग नहीं कर सकते, लेकिन इक्विटीज़ में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन से म्यूचुअल फंड सही रहेंगे, वो आपको सेकेंड वाले ऑप्शन में नज़र आ जाएंगे। बेसिकली क्या है कि 5 पैसा आपको यहाँ पर ये मदद करता है कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड चूज़ करना चाहिए। आपको आपकी रिक्वायरमेंट पता है, वो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे 5 पैसा ने यहाँ पर इस एप्लीकेशन को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 5 पैसा को इंस्ट्रक्शन दीजिए और यहाँ पर आपको 5 पैसा उससे रिलेटेड जो भी म्यूचुअल फंड है वो आपको फाइंड आउट करके शो कर देगा। थर्ड ऑप्शन जो यहाँ पे है वो मॉडरेट रिस्क और बैलेंस्ड फंड्स, मतलब ये मीडियोकर रिस्क और मीडियोकर रिटर्न के लिए हैं। नेक्स्ट है लो रिस्क डेप्ट फंड्स।
तो ये लो रिस्क डेप्ट फंड्स जो होते हैं वो काफ़ी सेफ़ होते हैं म्यूचुअल फंड्स के लिए। लेकिन हाँ, इसके अंदर आपको जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है वो भी लो होता है, आपको इक्विटीज़ के जितना हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन ये सेफ़ होता है और काफ़ी अच्छा होता है। फिर है टैक्स सेविंग ELSS फंड्स। अब ये तो हम में से सभी को करना चाहिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट जो आप करते हैं, चाहे वो LIC की पॉलिसी हो, चाहे कोई और इंश्योरेंस की पॉलिसी हो, चाहे मेडिकल की पॉलिसी हो, या ATC के अंदर जो जो क्राइटेरिया, जो जो ऑप्शंस अवेलेबल है टैक्स बचाने के, अगर वो सारे ऑप्शन यूज़ करने के बाद में भी जो गवर्नमेंट ने हमें लिमिट दी हुई है टैक्स बचाने की, अगर आप उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको ये टैक्स सेविंग ELSS फंड्स के अंदर बचा हुआ अमाउंट जो है वो पूरी तरह से इन्वेस्ट कर देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर एक तो सबसे पहली चीज़, आपका जो टैक्स है वो टैक्स बच जाता है। सेकेंड चीज़, आपका यहाँ पर मनी इन्वेस्टमेंट में चला जाता है, तो मार्केट जैसे जैसे ग्रो करेगा, इकोनॉमी जैसे जैसे ग्रो करेगी, उस तरीके से आपका फंड भी ग्रो करेगा। तो यहाँ पे दो बेनिफिट हो जाते हैं, एक तो आपका टैक्स भी बच जाता है और दूसरा आपका फंड्स भी अप्रिशिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इंस्टा रिडेम्पशन लिक्विड फंड्स। खैर, इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है, तो आप अपने हिसाब से और डिस्कवर कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं पहला ऑप्शन, हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो अब मैंने हाई रिस्क हाई रिटर्न में जब क्लिक किया, तो यहाँ पर मुझे 5 पैसा की तरफ से वो सारे म्यूचुअल फंड आ गए हैं जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा होने की गुंजाइश है। अब यहाँ पे SBI स्मॉल कैप फंड, जैसे इस नाम बता रहा है कि ये स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है ये म्यूचुअल फंड। अब इसका जो ईयर ऑन इन्वेस्ट ईयरली रिटर्न है वो तकरीबन 2.38% है। अब इसके अंदर आपको इसका मंथली क्वार्टरली रिटर्न देखना है, इसकी और ज़्यादा आपको एनालिसिस करनी है या पड़ताल करनी है, तो आप इस लिंक पे इसी को फंड को आप जब क्लिक करेंगे तो इसकी डिटेल्स और ज़्यादा खुल जाएगी। तो यहाँ पे जैसे आपको परफॉर्मेंस वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि 1 महीने के अंदर इसने कितना रिटर्न दिया है, तकरीबन 2.5% का लॉस दिया है। 3 महीने के अंदर 3.25% का लॉस दिया है। अगर 6 महीने का परफॉर्मेंस देखें तो इसने 1.5% का प्रॉफिट दिया है। मतलब 6 महीने पहले अगर आपने इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज की तारीख में वो 1.5% से अप्रिशिएट हो चुका होता। अगर हम 1 ईयर का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखें तो करीब 2.5% का नुकसान है। अगर हम 3 ईयर्स का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखें तो करीब 13% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो 13% का अप्रिसिएशन है। इसी तरीके से आप और भी बाकी म्यूचुअल फंड्स के परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट वाले टैब में जाऊंगा जहाँ पे स्कीम इन्फॉर्मेशन। अब स्कीम इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको इस म्यूचुअल फंड के बारे में और बाकी डिटेल्स होती है, जैसे कि म्यूचुअल फंड जो है ये ओपन फंड, ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड है, इसके अंदर एंट्री लोड क्या होगा, एग्जिट लोड क्या होगा, वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। इसका करंट NAV क्या है वो आपको बताएगा। तो यहाँ पे शुरुआत करते, जैसे पहले आपको यहाँ पे स्कीम का नाम आ जाएगा, फिर उसका कैटेगरी आ जाएगी कि किसके अंदर ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है म्यूचुअल फंड, इसका फंड मैनेजर कौन है उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, ये म्यूचुअल फंड कौन सी डेट को शुरू हुआ था, तो इंसेप्शन डेट में आपको वो आ जाएगा। करंट NAV, अभी फ़िलहाल इसकी NAV क्या चल रही है, मतलब प्राइस क्या चल रही है एक यूनिट की, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो जैसे इस पर्टिकुलर फंड के लिए 5,000 है। एंट्री लोड, मतलब आपको इसमें जब अगर एंट्री करनी है तो क्या एडिशनल चार्जेस देने पड़ेंगे, तो एंट्री लोड इसमें कुछ भी नहीं है, 0 है। एग्जिट लोड क्या है, एग्जिट लोड इसमें, एग्जिट लोड वो होता है जब आपने किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया है और आप उस म्यूचुअल फंड से वापस अपना पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर अगर कुछ एडिशनल चार्जेस लगाने हैं या नहीं लगाने हैं उसको बोलते हैं एग्जिट लोड। तो एग्जिट लोड का कुछ क्राइटेरिया होता है, तो एग्जिट लोड इस पर्टिकुलर फंड के लिए क्या है, 1% है इफ़ रिडीम्ड और स्विच्ड आउट विथ इन 1 ईयर। मतलब अगर आपने इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, इस म्यूचुअल फंड को अगर आपने खरीदा और 1 साल के पहले ही अगर आप इसको बेचना चाहते हैं, अपना पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं, तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। मतलब अगर आपने 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको 5,000 रुपये एग्जिट लोड लग जाएंगे। अगर आप 1 साल से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके हो चुका है अगर आपको, और 1 साल के बाद में अगर आप अपने फंड्स को विड्रॉ करते हैं, तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे 1% इफ़ इट इज़ रिडीम्ड बिफोर 1 ईयर, निल इफ़ रिडीम्ड आफ्टर 1 ईयर। ओके, बेंचमार्क मतलब ये कौन से चीज के ऊपर बेस्ड है, किसमें बेसिस पे ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो है BSE का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, स्मॉल कैप की जो स्क्रिप्ट है उसके अंदर इसका इन्वेस्टमेंट है। अभी जो नीचे लास्ट में आएगा एसेट एलोकेशन, एसेट एलोकेशन में आप देख सकते हैं इक्विटी के अंदर 90% दिया हुआ है।
रेपो इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है मुझे ज़्यादा पता नहीं है। रेपो इंस्ट्रूमेंट्स करके जो कुछ चीज़ है उसके अंदर 9% है, डेरिवेटिव्स में 1% इन्वेस्टमेंट है। अब क्योंकि हाई रिस्क हाई रिटर्न है इसलिए 1% यहाँ पे डेरिवेटिव्स में भी इन्वेस्ट करते हैं ये लोग। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको ये दिखाई देगा कि सेक्टर अलोकेशन क्या है, मतलब इसके अंदर अगर आप 100 रुपया डालते हैं तो 100 रुपये आपका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब उसी तरीके से सेकेंड ऑप्शन में HDFC का स्मॉल कैप फंड है, एक्सिस का मिड कैप फंड। अब देखिए एक्सिस का मिड कैप फंड ने उसने ईयरली रिटर्न 1.78% दिया है, एक्सिस का स्मॉल कैप फंड है उसने 1 ईयर में 7% का रिटर्न दिया है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको सारे म्यूचुअल फंड्स का कंपेयर करने का एक ऑप्शन भी मिल जाएगा, आपको चॉइस मिल जाएगी कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपको ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। अब सिमिलरली अगर आपको इक्विटी फंड्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो आप सेकेंड ऑप्शन में जा सकते हैं, इक्विटी फंड्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आपको हर एक म्यूचुअल फंड के एनुअल रिटर्न्स नज़र आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मुझे HDFC इक्विटी फंड का रिटर्न अच्छा लग रहा है कि करीब वो 12% का रिटर्न दे रहा है, तो मुझे HDFC इक्विटी फंड को बाय करना है। यहाँ पर आकर मैं उसकी सारी परफॉर्मेंस चेक कर सकता हूँ, यहाँ पे उसकी स्कीम रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो चेक कर सकता हूँ, यहाँ पे सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकता हूँ, और फिर मैं बाय बटन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन आ जाएगा कि मुझे HDFC इक्विटी फंड के अंदर कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ डाल दिया, ओके दबा दिया, तो ये मुझे नेक्स्ट स्क्रीन पे लेकर आ गया। अब अगर आपका जब 5 पैसा के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाएगा तो उसके अंदर आप कुछ ना कुछ फंड्स ज़रूर रखेंगे, तो वो आपके लेजर के बैलेंस में यहाँ पर दिख जाएगा। फिलहाल मेरे इक्विटी अकाउंट के अंदर मेरा लेजर बैलेंस 0 है, इसलिए यहाँ पर लेजर बैलेंस 0 दिख रहा है और मुझे टोटल अमाउंट जो है 1 लाख रुपीज़ अलग से पे करना होगा। मान लीजिए आपके लेजर अकाउंट के अंदर ऑलरेडी 50,000 रुपीज़ पड़े हुए हैं, तो आप वो 50,000 रुपीज़ यूटिलाइज़ करके ये म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, प्लस जो बचा हुआ 50,000 है उसको आप अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्टली पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी बैंक डिटेल्स आ जाएगी जो भी आपने लिंक किया है इस ट्रेडिंग अकाउंट के साथ में, और फिर आप अगर आप आगे प्रोसीड करेंगे तो वो ये डायरेक्टली आपको आपकी बैंक की वेबसाइट पे ले जाएगा, वहाँ पे आपको लॉग इन करके अपने क्रेडेंशियल्स डाल के ये फंड्स अलोकेट करने हैं, और फिर आपका 1 लाख रुपीज़ जो है HDFC इक्विटी फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है मॉडरेट रिस्क बैलेंस फंड्स। तो यहाँ पर आपको वो सारे म्यूचुअल फंड्स नज़र आ जाएंगे जिसके अंदर रिस्क जो है वो मॉडरेट है, लेकिन उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी एक मीडियोकर लेवल पे रहेगा, 8 से 15% के बीच में ही रहेगा। उसके बाद में है लो रिस्क डेप्ट फंड्स। ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और अब अगर आप इक्विटी मार्केट में स्विच होना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री लेना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड के थ्रू होना चाहते हैं, तो ये डेप्ट फंड्स काफ़ी अच्छे इंस्ट्रूमेंट साबित हो सकते हैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए। तो यहाँ पे अलग अलग म्यूचुअल फंड है, आप ये देख सकते हैं कि किसी का 21% का एनुअल रिटर्न है, किसी का 16% का है, किसी का 15% का है। तो आप अपनी कन्वीनियंस अपनी चॉइस के हिसाब से इसमें से जो भी डेप्ट फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसी तरीके से टैक्स सेविंग ELS फंड्स हैं। जैसे मैंने कहा अगर आपका ATC सेक्शन के अंदर पूरा इन्वेस्टमेंट कवर नहीं हो रहा है, आपको जितनी गवर्नमेंट ने लिमिट दी है टैक्स बचाने की, अगर आप उतनी लिमिट का बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं, तो आपको बचा हुआ जो फंड है जिसके ऊपर आप टैक्स नहीं बचा पा रहे हैं उसको आपको टैक्स सेविंग ELSS फंड्स के अंदर आप इन्वेस्ट करके उस पर टैक्स बचा सकते हैं। सिमिलरली आप इसके अंदर और भी समय बिताकर और भी म्यूचुअल फंड्स के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। सिर्फ आपको सबसे पहले तो इसके अंदर आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है, जो 5 पैसा भी आपको फ्री में अकाउंट ओपन करने दे रहा है, तो आपको उस फ्री अकाउंट ओपनिंग का लिंक इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप फ्री में अकाउंट ओपन करवा लीजिए, उसके बाद में ये ट्रेडिंग एप्लीकेशन 5 पैसा की जो है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप लॉग इन करके इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर।